बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सताइस अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस। रोशी नहाना कहाँ तक पहुँच गया? अभी आती हूँ। हाँ जल्दी करो। ठीक है। यस कम इन। क्या थॉमस, तुम क्रिश्चियन हो इसलिए मैं तुम्हें बुलाता हूँ। कुछ मिलेगा तो सोचता हूँ तुम्हें ही मिलेगा। वो तो मुझे मालूम है ना भाई साहब। घंटा बता है, ये देखा है क्या? सुबह चार बजे से शुरू हुआ है। कुछ अगर कस के पकड़ना है तो ना, दो मारे बगैर नहीं होता। सुबह सुबह उठ के किसको पकड़ना है सर? तू कुछ बोला है क्या? कल रात आपने बहुत पिया बोल रहे थे। वो तो कल रात सोने में फिर बहुत देर हो गया। क्या करे, हो जाता है सर। मुझे तभी लगा। क्या? आपको कल रात को सोने में थोड़ा लेट हो गया। अरे ये लड़का भी ना, तू इधर उधर बोल के बिगाड़ मत दे। वो तो मैं थोड़ी बोलूंगा। वो कहाँ की है? वो कहाँ की है वो तो नहीं बोलूंगा, और कुछ नहीं। तू जिसे भी आगे देखेगा मुंह खोलेगा। रोशी के बारे में ज्यादा पता चला तो यहाँ आना जाना मुझे पता चलेगा। मेरे बारे में आपने ऐसा सोचा है क्या? हाथ हटा। पता नहीं क्यों ये वेश में जो भी आता है सबको ऐसा ही लगता। अभी के लिए जाके कुछ जल्दी लेके आ। रोशी इधर मत आना, तुम नहाने के बाद वो ऐसे ही निकल के आ जाएगी। वो अच्छा है। तू जल्दी जाके लेके आ। सॉरी सर, सर जल्दी जा। नहाने के बाद वो ऐसे ही आएगी, जाके देखूं क्या क्या बोल के अंदर जाऊं। सोडा चाहिए पूछता हूँ। सोडा नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। ऐसे बिजनेस में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। और तो गोवा का उछल कूद बंद करके वो सीधा घर आएगा, उस बात की खुशी है। मैथ्यू ने इसे पहचाना? पहचाना नहीं, पूछा तो। मेरी बहन का बेटा है, यानी मेरा भतीजा। अभी ज्यादा दिन दूर नहीं है, बेटी से इसकी शादी करा देता हूँ और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पे डाल के मुझे जरा रेस्ट लेना है। मेरे ख्याल से संपत की बात ठीक ही है, अभी बीच टूरिज्म के लिए अच्छा स्कोप है। अभी ये सब सोच के डिसाइड किया है। एक छोटे से शराब के दुकान से शुरू किया था, तब से आज तक कभी गलती या धोखा नहीं किया मैंने। उसका एक अच्छा नाम भी है। आज के बाद वो अच्छा काम मेरे दामाद को मिले। नए बंदे हो क्या? हाँ सर। क्या है तुम्हारा नाम? अप्पू। कोई बात नहीं, ऐसी ही आदत होती है। सर आपको और कुछ? बताता हूँ थोड़ी देर बाद। ठीक है सर। अच्छा लड़का है। वो गई रे, वो मुझे छोड़ के चली गई। औरतें ऐसे ही होते हैं भैया, वो आते हैं जाते हैं। अपना याकूब साहब को जरा देखो, कितनी औरतें आती जाती है। आपके जगह पे मैं होता तो आप जिस लड़की को प्यार करते मैं उसे यही होटल लेके आता था। लार्ज या स्मॉल सर? स्मॉल। स्मॉल। क्या हो रहा है याकूब भाई को? चार बजे हाथ कांपना शुरू हुआ। उसकी हरकतें भी ऐसे ही है, तब तो वैसे ही होगा। चल हट जा, मैं निकलता हूँ। बहुत दर्द हो रहा है। बहुत दर्द हो रहा है। सुन, तू उनसे मिला था क्या? नहीं यार, देखने नहीं दिया, बात करना दूर की बात। इसीलिए कह रहा था मैं तुझसे कुछ नहीं होने वाला। कैसे भी मेल मिलाप करना था। हाँ बाथरूम में चल भग। बाथरूम में? बुरा मत मानना सर, माफ कर देना। आई एम सॉरी। पी ले बे। ड्यूटी टाइम पे नहीं पीता हूँ सर। तू पी रे। नहीं सर, नहीं पी रे। थैंक यू सर। अरे तू इतना क्यों सोच रहा है? आपको जो बोला वही मैं सोच रहा हूँ।
कुछ करने के लिए आप मदद किए हमको। हाँ वो मेरी गलती है, अबे टाइम ठीक होना चाहिए। हाँ हाँ उसके पहले हमको ऊपर उठा लेंगे। जो ढूंढ रहा था वही मिला। तुम तो देखते ही रह जाएगा। यूरेने लग रहा है। और कुछ नहीं लगा तुम्हें? मुझे वैसे लगा। आप जाके उससे बात करो। उससे? उससे? वो मैनेजर से मिलो ना। जाइए, आपसे बोलने से फायदा नहीं। जाइए ना। एक मिनट। कल का वो स्टेटमेंट निकाली थी ना। हाँ जल्दी निकालो। हाँ और क्या चल रहा है? हाँ सब कुछ ठीक ठाक। क्या हुआ? सब कुछ है लेकिन फायदा नहीं। चेक करके बताती हूँ। वो क्यों तू ऐसे बोला? फायदा नहीं है। थैंक यू सर। अबे टर्की, इतना साल से देख रहा हूँ तुमको मैं, वो दाल यहाँ नहीं गलेगी मैं बोलता हूँ। समझ में आया? कुछ कुछ समझ में आया। अच्छी तरह समझाता हूँ लेकिन चार आदमी को पता चलेगा क्या? नहीं चाहिए। गीता डियर बहुत पतली हो गई है। भाई साहब जाइए। टाइमिंग अपना खराब है। पागल है भाई साहब। हाँ वो देना। हाँ मैडम क्या हाल चाल? हाँ ठीक हूँ। प्रवीण कैसे हो? हाँ, सब बढ़िया। ये आपका रूम है? रेगुलर रूम है आपका? आइए मैडम। चाबी। प्रवीण ये रख लो। थैंक यू। प्रवीण थोड़ा मोटा हो गया। हाँ थोड़ा सा। आप भी थोड़ी मोटी हो गई हो। क्लास जा रहे हैं ना? हाँ। मेरे फ्रेंड्स को मैं हमेशा प्रवीण के बारे में बोलती हूँ, वो सब तुमसे मिलना चाहते हैं। मैं उतना बड़ा आदमी नहीं हूँ मैडम। मैं कभी कभी सोचती हूँ ऐसा एक भाई अगर मुझे भी होता तो। मैं जरा जाके काम करके आता हूँ।